हेलो गाइस, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे पास सैमसंग का एल ई डी टी वी है 32 इंच का। तो इसका हम सर्विस मोड निकालेंगे, फैक्ट्री मोड। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमको रिमोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको रिमोट के थ्रू हम इसमें सर्विस मोड निकालेंगे, क्योंकि इसमें कई सेटिंग इस तरह से है जो कि आपको फैक्ट्री मोड की ज़रूरत होती है। तो इसका मैं फैक्ट्री मोड दे देता हूँ। तो हमारे पास रिमोट जो है ये वाला रिमोट है, जो कि आप ले सकते हो। आप कोई भी रिमोट इसका यूज़ कर सकते हो, ओरिजिनल रिमोट हो। ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ RML1210E+E। तो इसमें जो सेटिंग है वो मैं दिखा रहा था। सबसे पहले तो आपको इसको स्टैंड बाई मोड में लेना पड़ेगा। तो टीवी को हम यहाँ से स्टैंड बाई कर देता हूँ, रेड लाइट जला हुआ देख सकते हैं। उसके बदले आपको क्या क्या इसको पोज करना होगा, सबसे पहले पोज करना पड़ेगा आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले मेनू मोड पावर। ये चार बटन दबा के आप इसका फैक्ट्री मोड ओपन कर सकते हो। मैं उसी कर रहा हूँ, देखिएगा। डिस्प्ले मेनू मोड पावर, तो मैं दबा दिया हूँ, तो ये ऑन होगा थोड़ा टाइम में। अब देखते हैं तो सर्विस मोड है वो आता है कि नहीं आता है। ये आ चुका है, थोड़ा टाइम लेता है, देख लिया आप लोगों ने, आ चुका है। तो आपको कोई भी सेटिंग इसका एडजस्ट करना है तो आपको इस पे एरो बटन से ऊपर नीचे कर सकते हो, और आपका प्लस बटन से ओके बटन से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आप एडवांस सेटिंग में मैं जाता हूँ। तो मुझे बैकलाइट की जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा कम करना था, तो हमने यह से कर लिया हूँ, क्योंकि ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा कम कर देने से क्या होता है, आपका जो बैकलाइट है उसका लास्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हटाने के लिए आपको डायरेक्ट सीधा पावर बटन ही आप दबा सकते हो, नहीं तो एग्जिट बटन दबा के आप इसको हटा सकते हो। देखते हैं एग्जिट बटन से दबा से ये जाता है कि नहीं जाता। तो ये नहीं जा रहा है, तो हम इसको पावर बटन से ही हटा देता हूँ। वापस दोबारा इसको एक्स्ट्रा से ओपन कर लाता हूँ। तो इतना सही है। तो सर्विस मोड निकालने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन है तो इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये चला गया है, देख सकते हो। तो गाइस, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।